हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एग्जांपल ऑफ मोशंस गिवन है कुछ ए बी सी एंड डी में, तो किस एग्जांपल्स ऑफ मोशन में हम बॉडी को अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं वो हमें यहाँ बताना है। ए बी सी डी में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते, हमें ये बात बतानी है। ठीक है, देखिए सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसका साइज है बहुत कम और उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट साइज, या फिर कहें वो अपने साइज के कंपैरिजन में या 300 टाइम्स या 400 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट साइज। जैसे कि अगर एक चींटी की बात करें हम, आंट है, उसका साइज है अप्रॉक्स 1 mm, ओके 1 mm उसका साइज है आंट का, और वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है सपोज 2 meter, ओके 2 meter उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो अपने साइज के कंपैरिजन में उसने कितने टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। 2 meter को आप mm में कन्वर्ट कर लीजिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 200 centimeter हो जाएगा, फिर सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो इतना mm हो जाएगा। ओके तो 2000 mm, इसको आप इसके साइज 1 mm से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 2000 mm। तो उसने 2 × 10³ टाइम्स इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, हजारों गुना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली अपने साइज के कंपैरिजन में, तो हम आंट को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ओके दिस वैसे ही अर्थ के केस में अगर हम देखें तो सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन करती है, और रोटेट तो अपनी एक्सिस पर करती है, अबाउट हिज ओन एक्सिस। अर्थ है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है फिर सर्कुलर जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन मोशन है उसे आप एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो अपना लीनियर पाथ ट्रेवल करती है अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन में यहाँ से चलेगी और फिर यहीं आ जाएगी, तो बीच की डिस्टेंस कितनी होती है सन और अर्थ की, अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये अपना साइज, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होता है तो इसका डायमीटर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 12,800 किलोमीटर को तो आप पाएंगे 73,000 अप्रॉक्स, इतने टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अर्थ। ठीक है, अपने साइज के कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन मोशन है उसमें जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, लीनियर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल की है उसने अपने साइज के कंपैरिजन में, तो हम अर्थ को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ओके अब देखिए, अगर हम बात करें कि क्यों मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके मान लेने से कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। जैसे कैलकुलेशन की बात करें, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज आर है तो उसका स्क्वेयर। अब जो डिस्टेंस है, देखिए सन है, सन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बहुत उसके सर्कमफ्रेंस से लें डिस्टेंस अर्थ के सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक की, या फिर यहाँ से लें किसी बाहरी आउटसाइड सर्कमफ्रेंस पॉइंट की, तो कितने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो डिस्टेंस लेने के, तो डिस्टेंसेस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम कौन सी डिस्टेंस लें, तो हम क्या करते हैं इसको पॉइंट साइज मान के इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेते हैं जो कि मीन डिस्टेंस कही जाएगी। बहुत सारी डिस्टेंसेस हो जाएंगी तो आप सबका मीन निकालेंगे तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाएगी। तो फोर्स निकालने के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो इनके सेंटर्स के बीच की ले लेते हैं, मींस पॉइंट साइज मान लेते हैं इनको, पॉइंट साइज मीन्स सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो पॉइंट साइज मान लेने से क्या हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, तो ये रीज़न रहता है ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मानने का। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस आर इग्नोर्ड, तो जैसे आंट है इसके डायमेंशन को हम इग्नोर कर देंगे अब, और डिस्टेंस की बात करेंगे बस, किसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2000 mm, आंट ने 2000 mm डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके,
एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन, उसकी डायमेंशन को हम इग्नोर कर देंगे, फिर इसके साइज को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको पॉइंट, एक पॉइंट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। लेकिन अगर इसे आप इसके डायमेंशन को मानते तो फिर ये कहते कि ये 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर ने यहाँ तक आने में इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ तक आएगा, तो इसमें से 1 mm और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 199, इतने mm बचेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक आने में। अगर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 मीटर है, तो अगर इसका साइज भी आपने कंसिडर किया तो, है ना, तो इसके साइज को हम छोड़ देते हैं, कह देते हैं उसने पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ओके। आगे देखें इसमें हम, यस, डायमेंशंस आर इग्नोर्ड, तो उसके डायमेंशन को हम इग्नोर कर देते हैं इन कंपेरिजन टू इट्स मूवमेंट, जो इसने मूवमेंट किया है उसके कंपेरिजन में उसके डायमेंशन को हम इग्नोर कर देते हैं। एंड इट्स ऑल प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, और फिर इसकी जो सारी प्रॉपर्टी होती हैं वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डायमेंशन ने तो, डायमेंशन को तो हमने पहले ही ऑलरेडी इग्नोर कर दिया है ऑब्जेक्ट के को, ओके। तो इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जो इसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही हो, ओके। तो ये चीज़ ज़रूरी है, कैसे समझें इस चीज़ को, देखिए मान लीजिए एक बॉल है और वो रोटेट कर रही है अबाउट हिज एक्सिस, अबाउट हिज ओन एक्सिस, जो कि सेंटर से एक लाइन जा रही है उसके अबाउट वो रोटेट कर रही है ऑब्जेक्ट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, सपोज दैट, ओके। तो बॉल के पास मास है, अगर मान लेते हैं इसके पास चार्ज भी है, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है। देखिए रोटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, देख कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो एक लीनियर फोर्स होना चाहिए, तो वो मोशन करेगा, सिंपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस भी होनी चाहिए। इस बॉल को, सपोज एक बॉल को रोटेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, वो रोटेशन होता है ये बॉल का, इसको स्पिनिंग भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा होगा, फोर्स और इसके सेंटर से एक्सिस से जो लाइन जा रही है वहाँ से डिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर और ये एफ मिला के क्वांटिटी बनाती हैं आर क्रॉस एफ, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, जिसे टॉर्सर रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशन वाले चैप्टर में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गया, टॉर्क, अगर बॉल रोटेट कर रही है तो इसके पास मास है, देखिए अगर चार्ज भी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज भी है, मास, देखिए बॉडी का जो मास है, मैंने कहा यहाँ कह रहे हैं ऑल प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, तो इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो कोई सी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही हो। तो मास को देखें अगर, तो देखिए मास डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको कंप्रेस कर दें, छोटा कर दें दबा के, तो इसका मास वही रहेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ओके, मास चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, ओके, तो इसको कंप्रेस कर देने से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो इसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है बॉल, ठीक है, वो क्या है, टॉर्क है। टॉर्क, टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, ओके, आर डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा टॉर्क। तो टॉर्क है इसके पास, तो ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, क्यों, हमने पहले कह दिया उसका डायमेंशन तो इग्नोर कर दिया ना ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट का डायमेंशन नहीं है तो टॉर्क कहाँ से आ गया भाई, है ना, टॉर्क तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आर तो जीरो होना चाहिए उसका, जब डायमेंशन आप इग्नोर करके चल रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा उसका, जीरो होगा, मीन्स टॉर्क लगेगा ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क नहीं लग रहा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो मीन्स क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, सिंपल। तो टॉर्क क्या है इसका, जीरो है, ओके, ऑब्जेक्ट का टॉर्क क्या है, जीरो, सिंपल। तो ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं करेगा, सिंपल, ओके, तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो कोई भी इसकी जो प्रॉपर्टी है ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इसके डायमेंशन पर डिपेंड करे, ओके। तो टॉर्क क्या है इसका, जीरो। तो पॉइंट साइज के लिए अब क्या करना है, इसका डायमेंशन तो आपने इग्नोर कर दिया, तो ये पॉइंट साइज में कन्वर्ट होगा, अब ये बॉल पॉइंट साइज में कन्वर्ट होगा, और जो आर है, एफ तो लगा रहेगा, आर क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके, तो अब ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क चाहिए रोटेशन के लिए। जब तक टॉर्क नहीं होगा आपके पास तो आप किसी को रोटेट नहीं कर सकते। जैसे दरवाजे को आप खोलते हैं तो आप वो जो फोर्स लगाते हैं वो टॉर्क होता है दरवाजे को खोलने में, जो हैंडल को पकड़ के आप जो फोर्स लगाते हैं लीनियर फोर्स, और एक डिस्टेंस मिलती है आपको जहां से दरवाजा फिक्स होता है, जहां उसके कब्जे होते हैं वहां से एक डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक आपका फोर्स होता है, दोनों चीज़ें मिला के एक क्वांटिटी बनती है टॉर्क, वो टॉर्क लगता है तब दरवाजा खुलता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो यहाँ पर ये अब रोटेट नहीं होगा क्योंकि आपके पास डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि फोर्स लीनियर फोर्स यही हो गया। अब ये क्या करेगा, केवल लीनियर मोशन करेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, और पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो रोटेट नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे
तो डिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो टॉर्क नहीं मिलेगा, टॉर्क नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। तो सिंपल, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, और पॉइंट ऑब्जेक्ट कभी रोटेट नहीं कर सकता। तो सिंपल, ओके। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी वेरी इजीली, ओके। अब हम यहाँ देखें सिंपल, तो आपको समझना क्या है, एक चीज़ और है कि अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है तो भी आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशनल मतलब वही मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट उसे मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रोटेशन में है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन भी अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जैसे एक अगर वाटर ड्रॉप है और वो फॉल कर रही है, वाटर ड्रॉप ऑन द अर्थ, ओके, कितने हाइट से, सपोज 5 किलोमीटर के हाइट से अगर वाटर ड्रॉप का साइज कितना हो सकता है, ओके, मान लेते हैं कि 1 mm इसका साइज है, और 1 mm साइज की एक वाटर ड्रॉप है, और वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो क्या उस वाटर ड्रॉप को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? देखिए, मान सकते हैं अगर इसका वाइब्रेशनल मोशन ना हो, या फिर उसे इग्नोर कर दिया जाए, या फिर अगर रोटेशनल मोशन ना हो इसका, उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन अगर एक वाटर ड्रॉप है वो जो गिर रही है फ्री फॉल में, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट करेगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं होता है, तो हो सकता है कि वो सिलेंड्रिकल हो जाए, या फिर हो सकता है वो स्फेरिकल शेप ले ले अपनी, है ना, तो कोई भी शेप लेके वो फ्री फॉल कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉप वाइब्रेट भी कर सकती है, ओके, वाइब्रेशन के साथ वो नीचे आ सकती है। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा कि उसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइज चेंज होगा मींस वो एक्सटेंड हो सकता है साइज उसका, या फिर कंप्रेस्ड हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है साइज, तो साइज वहाँ पर वेरी करेगा। तो साइज के वेरी करने से हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि उसका जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट का, उसे हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशनल मोशन में है। तो हम वाइब्रेशनल मोशन को भी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्लियरली कि किस कंडीशन में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। देखिए, अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी को मान रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसका रोटेशन इग्नोर कर दीजिए, हल्का पुल्का अगर रोटेशन है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, हल्का पुल्का अगर वाइब्रेशनल मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के पास तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, और वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तीनों ही मोशन कर रहा है तो इन दो को आप इग्नोर कर दीजिए, उसके मोशन को, और ट्रांसलेशन मोशन में उस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, सिंपल, ओके। तो आपको देखना क्या है, ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं करना चाहिए, वाइब्रेशनल नहीं करना चाहिए, और ट्रांसलेशन मोशन में है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपको ये देखना है कि वो अपने साइज के कंपेरिजन में हज़ारों गुना या फिर 500 times, ओके, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आप रोटेशन की बात करें तो हम यहाँ अर्थ को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अर्थ भी तो रोटेशन कर रही है अबाउट हिज ओन एक्सेस, तो अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है अबाउट हिज ओन एक्सेस, आप उस मोशन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, उस मोशन में अर्थ को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, लेकिन आप रिवॉल्यूशन मोशन में अर्थ को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे इस चीज़ को, क्लियर है। अभी अगर हम यहाँ सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन फॉर अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशन। रेलवे कैरिज मतलब रेल का एक डिब्बा, जो मालगाड़ी का डिब्बा होता है जो सामान लेके जाता है, सपोज उसका साइज है 20 मीटर या 30 मीटर, मान लिए, चलिए 20 मीटर मान लेते हैं, और ये 2 स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है, ओके, 2 स्टेशन के बीच में ये मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ये रेल का डिब्बा है, और डिस्टेंस मान लेते हैं 2 स्टेशन के बीच की लगभग है 30 किलोमीटर है मान लेते हैं, या 20 किलोमीटर मान लेते हैं, चलिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ओके। तो अपने साइज के कंपैरिजन में बात करें तो कितने टाइम्स होगी 20 मीटर, 20 किलोमीटर को आप चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 20,000 मीटर हो गया, ये 0 से 0, ये 2 से 1000 times, तो 10^3, ओके, तो 10^3 times डिब्बे, जो रेल का जो डिब्बा है ना, इसके साइज के कंपैरिजन में 10^3 times ज़्यादा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बहुत कई गुना, हज़ारों गुना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अपने साइज के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आप, 73,000 मीन्स 73 × 10^3, ये है ना, और 7.3 करेंगे तो अब ये 10^4 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अर्थ के केस में भी 10^4 times अर्थ जो है
डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपने साइज के कंपेरिजन में। तो यहाँ हमने अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था, यहाँ पर हम इस रेलवे कैरिज को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने साइज के कंपेरिजन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन कैन बी एज्यूम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और मेन चीज़ देखिए यहाँ पर ये कहते हैं विदाउट जर्क्स, इसका क्या मीन है? इसका मीन ये है कि विदाउट जर्क्स से क्या है कि उसका साइज चेंज नहीं होगा, जो भी रेलवे कैरिज है तो वो जर्क्स मीन्स कहें तो वाइब्रेशनल मोशन हो गया एक तरह से, तो हमने उसके वाइब्रेशनल मोशन को इग्नोर कर दिया है, वो जर्क लेके नहीं चल रहा, उसका साइज जो है एक्सटेंड नहीं हो रहा है रेलवे कैरिज का, तो साइज यहाँ मैटर नहीं कर रहा। अगर जर्क लेगा वो तो हो सकता है उसका साइज चेंज हो जाए, है ना, अगर वो हो सकता है वाइब्रेशन करे या फिर वो फैल जाए थोड़ा बहुत तो उसका साइज चेंज होगा, तो साइज यहाँ मैटर नहीं करता, जर्क इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया विदाउट जर्क्स, ठीक है, तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो हम मान सकते हैं रेलवे कैरिज को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन बी अब। यस, अ मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी है ओके और वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, एक साइकिलिंग कर रहा है कोई बंदा और उसके उसके हो सकता है शोल्डर्स पे बैठा हो या फिर सर पे बैठा हो, एक मंकी है, मंकी का साइज आप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर उसका साइज है, डायमीटर है, कुछ भी मान लेते हैं, और ये 2 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर का तो सिंपल ट्रैक होना ही चाहिए कम से कम, तो 2 किलोमीटर का तो ट्रैक होगा ही, एक साइकिल है उस पर आदमी चल रहा है तो कम से कम ग्राउंड जो है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में तो होगा ही, तो उसके साइज के कंपेरिजन में जो ग्राउंड सर्कुलर ट्रैक है और स्मूथली कर रहा है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं ले रहा ना कोई रोटेशन ले रहा है, ठीक है, केवल रिवॉल्यूशन कर रहा है उसके सर्कुलर ट्रैक, तो देखिए तो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के कंपेरिजन में 20 सेंटीमीटर आप देख लीजिए यहां पर किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तो इसको 2000 मीटर हो गया, और मीटर को फिर आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो और डबल जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरो और ये 2 × 2 = 1 दिस। ओके, 2 किलोमीटर फिर से देखें, 2 किलोमीटर इक्वल्स टू दिस इज 2000 मीटर और फिर 100 और आ गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 10,000। ओके, ये हो गया 10^4, तो मंकी के साइज के कंपैरिजन में 10^4 टाइम्स हो गया जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मंकी, क्योंकि वो साइकिलिंग के साथ ही ट्रेवल कर रहा है, साइकिलिंग जो कर रहा है मैन उसी के साथ है ट्रेवल कर रहा है, तो वो भी इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम कह सकते हैं कि मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक कैन बी एज्यूम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मंकी को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि वो अपने साइज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बी का आंसर भी क्या लिखेंगे आप? यस क्या लिखेंगे? यस, इन दिस वी कैन ऑल्सो एज्यूम मंकी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आंसर देखते हैं सी का, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है और वो टर्न्स करती है शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखिए क्रिकेट बॉल है तो वो स्पिन कैसे करती है? लाइक दिस, इस तरह से उसका रोटेशन हो सकता है या फिर उसका रोटेशन इस तरह से हो सकता है, दो तरह से उसका रोटेशन हो सकता है। अगर बॉलर बॉल को सिंपल 20 मीटर की एक पिच होती है उस पर बॉलर बॉलिंग करता है बैट्समैन के सामने, तो वो बॉल को कुछ इस तरीके से सीधे अगर फेंकता है तो वो हिट करके ग्राउंड को सीधे उसके पास जाती है। अगर वो बॉल को स्पिनिंग करके कुछ इस तरीके से घुमाते हुए फेंकता है, साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है ऑब्जेक्ट और वो रोटेशन भी कर रही है, स्पिनिंग भी कर रही है बॉल, तो वो हिट करके ग्राउंड को हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव हो जाए या फिर हिट करके ग्राउंड को इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, जिसको हम लेग स्पिन या फिर ऑफ स्पिन भी कहते हैं। तो वो बॉल हिट करके सीधे ना जाके किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकती है, इसको कहते हैं हम टर्न, ठीक है। तो जब बॉल बॉलर के पास पहुंचती है तो हो सकता है बॉलर से 1 या 2 मीटर पहले हिट करती है ग्राउंड को, तब वो 1 या 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बैट्समैन के पास जाने तक, तो हिट करने के बाद 1 या 2 मीटर का डिस्टेंस ही बॉल ट्रेवल करेगी और वो साथ में स्पिनिंग भी कर रही है, ठीक है। तो बॉल का साइज क्या है? अप्रॉक्सीमेटली होगा इसका 6 या 7 सेंटीमीटर और 1 या 2 मीटर इसने हिट करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसे तो ये पूरा तो 20 मीटर ही ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, क्योंकि पिच की जो लंबाई होती है वो 20 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ हम जो लेके चलेंगे इसका जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली लेके चलेंगे 6 या 7 सेंटीमीटर, ओके। तो जो बॉल है बॉल साथ में स्पिन भी कर रही है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर स्पिनिंग मीन्स रोटेट कर रही है बॉल, तो रोटेशन को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, पहले देख चुके हैं, क्योंकि उसके पास टॉर्क होगा, टॉर्क है तो कहीं ना कहीं उसका डायमेंशन भी है, ठीक है, डायमेंशन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब टॉर्क होगा तभी वो स्पिनिंग होगी, ओके, ये चीज़ क्लियर है आपके लिए। तो ये स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये 20 मीटर की ये पिच है, यहाँ बैट्समैन होगा कहीं ना कहीं, तो जब ये बॉलर ये बॉल को फेंकेगा, ओके, तो बॉल यहाँ से
अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मीटर की डिस्टेंस पहले ये हिट करेगी ग्राउंड को, तो ये बॉल सीधी बैट्समैन के पास ना जाके हो सकता है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए, थोड़ी सी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए, इससे कि उसे कन्फ्यूजन में डालेगी ये बैट्समैन को, यहाँ बैट्समैन होगा कहीं ना कहीं, तो ये सीधी ना जाके इस डायरेक्शन में जाके हो सकता है इस डायरेक्शन में चली जाए या फिर इस डायरेक्शन में चली जाए, वो थोड़ा सा टिप्पा हक लाइक दिस या फिर लाइक दिस। ओके, तो 1 या 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका जो साइज है हम मान सकते हैं, चलिए 5 सेंटीमीटर मान लिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ओके, डिवाइड कर लीजिए 5 सेंटीमीटर से, 5 × 20 टाइम्स। ओके, तो अपने साइज के 20 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से हिट करने के बाद, कितने गुना, केवल 20 गुना। तो 20 गुना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने पहले कहा कि 500 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है तो हम उसे मान सकते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये रोटेशन भी कर रही थी बॉल, तो रोटेशन के साथ हम नहीं मान सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट साइज। और दूसरी चीज़, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है। बॉल हिट करने के बाद ग्राउंड को वो टर्न करती है, टर्न का मीन्स वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, सीधे ना जाके किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती है या फिर उसके पीछे की तरफ जाती है या फिर आगे की तरफ जाती है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो सिंपल, यहाँ जो साइज है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हिट करने के बाद ग्राउंड को। ओके, नेक्स्ट है अ टम्बलिंग बीकर, डी, टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। टम्बलिंग बीकर मीन्स गिरता हुआ बीकर। अगर एक ये मान लेते हैं कि एक टेबल है, इसकी हाइट मान लेते हैं कि लगभग 1 मीटर है ग्राउंड से, 1 मीटर की हाइट एक टेबल की, ओके, ग्राउंड से, और इस पर एक बीकर रखा हुआ है जो पानी का एक जग होता है टाइप का या ग्लास है कोई भी, और इसकी सुपोज साइज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, लगभग इतना तो साइज होता ही है ना, उससे ज़्यादा ही होता है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर इसका साइज है, और ये टम्बलिंग बीकर मीन्स गिरता हुआ बीकर है, यहाँ पर गिर के ज़मीन पे आ जाता है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो अपनी ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की है टम्बलिंग बीकर ने कितनी की है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और इसका साइज 10 सेंटीमीटर, तो इसके कंपेरिजन में केवल 10 टाइम्स, अपने साइज के कंपैरिजन में इसने 10 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ने ट्रेवल नहीं किया है, तो हम इसको एज ए पॉइंट साइज नहीं मान सकते। और दूसरी चीज़, जब ये गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है रोटेशन भी करता हुआ गिरे या फिर वाइब्रेशन करता हुआ भी गिरे, तो इसके पास वाइब्रेशन और रोटेशन भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। और दूसरी चीज़ तो ये है ही कि इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है कंपेरिजन टू हिज ओन साइज। अगर ये बहुत ज़्यादा हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, किसी छत से गिरता है, ठीक है, किसी मकान की छत से गिरता है, ये काफ़ी हाइट पर है वो मकान की छत, हो सकता है कि 12 फीट या फिर 20 फीट से अगर गिर रहा है तो हम वहाँ मान सकते हैं इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ अगर किसी मेज की किनारे से ये गिरता है तो बीकर है, तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो वी कैन राइट इन बोथ सी एंड डी, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड कैन नॉट बी एज्यूम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा नो, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप ऑफ द एज ऑफ अ टेबल, इसको भी हम नहीं मान सकते एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है ये चीज़। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।